राव दुलाजू ओरछा द्वार पर तैनात है। मेरे होते हुए ओरछा द्वार से फिरंगी कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम ओरछा द्वार की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। राव दुलाजू प्राण दे देगा परंतु फिरंगियों को ओरछा द्वार से अंदर नहीं आने देगा। राव दुलाजू जी, हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि आप ओरछा द्वार पर हैं? काशी, अपनी स्वामी भक्ति दिखाने का समय आ गया है। सर, दुल्हा जो ओरछा गेट पर पहरा दे रहा है, बार बार चिल्लाकर बता रहा है। गुड, वो जरूर हमको इन्फॉर्म करने का ट्राई कर रहा है कि वो ओरछा का गेट खोलेगा। एवरीवन चार्ज। क्या हुआ काली? वहाँ कुछ हड़कंप मचे हैं, कहीं फिरंगी छुपे छुपे तो नहीं आवत रहे? हम अभी देख कर आवत हैं। अरे हम तो बिला वजह बौखलाए रहे, इस तो गैया माता है। कहां मर गए सबके सब? सैनिको, तुम किले की पूर्वी फसील पर जाकर देखो और तुम पश्चिमी फसील पर दुश्मन की हरकतों पर नजर रखो। जाओ। ऐसा नहीं कर सकते। काशी, ओरछा द्वार मेरे अधीन है, बीच में मत बोलो। राव दुलाजू की आज्ञा का उल्लंघन करने का मतलब जानते हो? मैंने कहा जाओ, तुम भी जाओ। मशालची, तुम भी जाओ। तोप का उपयोग तभी होगा जब ओरछा द्वार पर कोई हमला करेगा, किंतु ओरछा द्वार पर राव दुलाजू है। ओरछा द्वार की रक्षा के लिए राव दुलाजू है। जाओ। दुलाजू जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? काशी, अब मेरे हंसने के दिन आ गए। तू चाहे तो तू भी हंस सकती है। क्या? हाँ, जीवन भर की तपस्या का फल आज मिलने वाला है। अगर तू साथ दे दे काशी, तो ये मेरा सारा जीवन सफल हो जाए। क्या बक रहे हैं आप, शर्म नहीं आती? यदि महारानी साहब को यह सब पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप मेरे सुख के दिन आने वाले हैं। झांसी को बचाने में मौत ही मौत है, परंतु फिरंगियों का साथ देने में काशी सुख ऐश्वर्य वैभव है।
काशी तू मेरे साथ आ जा, सुख का साथी बनना है ना तुझे, सुख का साथी बनना है। चल मेरे साथ चल काशी, तेरी दुनिया बदल जाएगी। छोड़ पाखंडी, विश्वासघाती, तेरे तो खून नहीं गद्दारी है, धूर्त। धूर्त नहीं, चतुर। एक राव दुलाजू ही है जो इस युद्ध का सही आकलन कर रहा है। इस युद्ध का परिणाम जानती है काशी? तबाही, बर्बादी, सब खत्म हो जाएगा। क्या तू नहीं जाती काशी कि तेरा घर बसे? मैं तुझसे प्यार करता हूँ काशी, तुझसे विवाह करना चाहता हूँ मैं। विवाह? और तुझ जैसे विश्वासघाती से? मैं अभी महारानी साहब को सब बता दूंगी। कहाँ की महारानी और कैसी महारानी? काशी अब महारानी एक इतिहास है और राव दुलाजू एक हकीकत। इतिहास को भूल, हकीकत का साथ पकड़। मैं तुझे अपनी रानी बनाकर रखूंगा। धिक्कार है तुझ पे। झांसी की रानी तो सिर्फ एक ही है, हमारी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। मैं अपनी जान दे दूंगी पर झांसी पर आंच नहीं आने दूंगी। मैं अभी तुम्हारे घर तुम देश को सबको बताऊंगी महारानी। काशी मुझे लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, तो फिर ऐसा ही हो। बाबा साहब आप यहीं रुकिए, हम अभी वहां जाकर आवत है, कुछ गड़बड़ है। तुझे मारना नहीं चाहता था काशी। इस द्वार से कोनों की चीख सुनाई दी थी हमें, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यहाँ, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। काशी कहाँ है? काशी? काशी आवश्यक कार्य से महल में गई है। अब तुम भी जाओ, ओरछा द्वार की रक्षा मेरे अधीन है। तुम यहाँ की चिंता छोड़कर अपने द्वार पर जाओ काली। यदि आवश्यकता हुई तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। यहां सब ठीक है। द्वार से अंदर लाने की साजिश है।
ओरछा का द्वार, कर्मा चलो। हर हर महादेव। Open the door! Open the door, Dalhasu! Open the door! Open the door! Open the door, Dalhasu! Open the door! सेना नगर में प्रवेश कर चुकी है। संभाल गए, संभाल गए। हट, जल्दी संभाल दा। द्वार की ओर चलो, उन्हें भी खोलना है। बाहर सेना प्रतीक्षा कर रही है। रघुनाथ जी, दुलाल जी शीघ्र जा रहा है द्वार खोलने। आप अपने अपने द्वारों की रक्षा कीजिए। हम उस
कैसे निपटते हैं। राज राजो तुझे मातृभूमि के साथ दर्द करने का अवसर मिलेगा। राजो राजो फिरंगियों को छोड़ना नहीं महारानी साहब, नहीं छोड़ना। नहीं काशी दीदी बोलिए मत, नहीं तो खून और बहे लगेगा। राजवैद भी नहीं है। हे देवा क्या हुआ? ये फिरंगी अपनी विशाल फौज लेकर नगर में प्रवेश कर रहे हैं। दामोदर के नानोबा किधर है? वो तो बाहर है और उनके साथ महारानी साहब भी है। ये देवा रुक जा पाखंडे, तूने जिन फिरंगियों के टुकड़े तोड़े वो किसी के सगे नहीं है। ये उस दिन सोचना चाहिए था जिस दिन मुझे मार मार कर तुमने झांसी की सीमा से बाहर फेंक दिया था। अरे हमें तो तुझे उसी दिन मौत के घाट उतार देना चाहिए था, परंतु हमने तुझे पक्ष दिया क्योंकि तू एक हिंदुस्तानी है। Infantry, stand back. देखते हैं कौन आज हमसे हमारी झांसी छीनता है।